लोकसभा चुनाव 2019 का रण और आज तीन राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सबसे पहले यूपी के अम्बेडकर नगर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम और उसके बाद यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी के होशंगाबाद में भी पीएम मोदी की तीसरी जनसभा होगी। शाम को राजस्थान के जयपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। यानी आज पीएम मोदी की एक साथ तीन जगहों पर जनसभाएं होनी है और साथ ही आज प्रदेश में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज अलग अलग तीन राज्यों के क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी के बहराइच में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और उसके बाद एमपी के होशंगाबाद में भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं शाम को प्रदेश की राजधानी जयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी आज पीएम मोदी लोकसभा चुनाव 2019 के रण में एक साथ तीन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एमपी के होशंगाबाद में पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे और वहीं शाम को प्रदेश की राजधानी जयपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कि आज तीन राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 के रण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी प्रतिदिन रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से भाजपा को चुनने की जनता से अपील कर रहे हैं। और आज पीएम मोदी एक साथ तीन राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले जहां यूपी के अंबेडकर नगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम और उसके बाद यूपी के बहराइच में और वहीं एमपी के होशंगाबाद में भी पीएम मोदी की विशाल जनसभा होनी है और शाम को जयपुर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम। आज एक साथ तीन राज्यों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव 2019 के रण में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी आज एक साथ तीन राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी जहां यूपी राज्य के दौरे पर रहेंगे और यूपी के अंबेडकर नगर में विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम और वहीं यूपी के बहराइच में भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। एमपी के होशंगाबाद इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं शाम को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव 2019 के रण में भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसी के तहत रोज ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से जनता से एक बार फिर से मोदी सरकार चुनने की अपील कर रहे हैं। और इसी के तहत आज पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले जहां यूपी के अंबेडकर नगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद यूपी के बहराइच में और वहीं एमपी के होशंगाबाद में भी पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी और शाम को राजस्थान के जयपुर में यानी राजधानी जयपुर में आज शाम को पीएम मोदी को सुनने यहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। लोकेश, आज पीएम मोदी भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रतिदिन ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार चुनने की अपील कर रहे हैं और यूपी और एमपी के बाद शाम को जयपुर में दौरा रहेगा। क्या कुछ तैयारियां चल रही है जयपुर में और जयपुर में कौन से मैदान में यहां जनसभा होगी और क्या कुछ अपडेट है? ज्योति, मैं बताना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर इनकी आज जयपुर के वीटी रोड स्थित मैदान में सभा होगी, इसको लेकर तमाम तैयारियां हो चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार इनके जुटे हुए, जो पदाधिकारी तमाम है वो देर रात तक इनकी तैयारियों में जुटे हुए। इसके बाद में आज शाम को प्रधानमंत्री की सभा होगी। इसके लिए जो कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, जो जनता को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसको लेकर भी भाजपा ने तमाम तैयारियां कर ली है। इनके अलग अलग रूटों के आधार
पर बसों की व्यवस्था कर दी गई है। उसके बाद में 20 सुरक्षा के बीच में यहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा होगी और उसी सभा में यानी कि जो प्रधानमंत्री है 6 तारीख को जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट पर होने वाले जो मतदान के लिए इनकी लोगों और कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे कि पुनः इनकी जो भाजपा सरकार इनकी सत्ता में लाने के लिए एक बार इनकी जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण सीट पर भाजपा को जिताने के लिए अपील करेंगे। जी लोकेश, जिस तरह से पीएम मोदी का जयपुर आना, राजधानी जयपुर में आना, मतलब सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिस तरह से आपने बताया कि तैयारियां भी एक तरह से पूरी हो चुकी हैं, लेकिन पीएम मोदी के साथ भाजपा के कौन कौन से दिग्गज नेता जयपुर में पहुंचेंगे? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो पीएम मोदी के साथ साथ इनकी जो स्टार प्रचारकों में हैं वो भी इनकी यहाँ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी यहाँ पहुंचना इनकी है, साथ ही साथ जो तमाम कार्यकर्ता है वो इनकी यहाँ पहुंचेंगे। जो राजस्थान के जो तमाम स्टार प्रचारक है वो यहाँ पे सभा में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ जो सभा में जिस प्रकार की जो तमाम तैयारियां की गई, ऐसे में इनकी ये लगता है कि जो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण से भाजपा की जो प्रत्याशी है वो पूर्व इनकी सांसद और मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ है, तो वहीं इनकी जो जयपुर शहर से जो पूर्व इनकी सांसद रामचंद्र बोरा मैदान में है, ऐसे में इनकी उन सब कार्यकर्ताओं में पुनः इनकी जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करेंगे। जी लोकेश, जिस तरह से आपने बताया, मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी यहाँ मौजूद रहेंगी और साथ ही भाजपा के कई दिग्गज नेता, चूंकि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण की सीटों को साधने के लिए यहाँ पर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। जयपुर शहर से जहाँ मौजूदा सांसद भाजपा के उम्मीदवार रामचरण बोहरा है, तो एक तरह से कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि कांग्रेस ने भी पूर्व मेयर को उतारा है, ज्योति खंडेलवाल को। और अगर जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो जयपुर ग्रामीण में भी एक भाजपा ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को। तो आज ये सभी एक साथ मंच पर नजर आएंगे, क्या कुछ इनको लेकर कार्यकर्ताओं की तरफ से तैयारियां चल रही है? जी देखिए, बताना चाहूँ, देर रात तक कार्यकर्ता लगातार इनके तैयारियों में जुटे रहे और ऐसे में इनकी जो आज जो कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा यहाँ पे, आम जनता को यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसको लेकर भी जो ग्रामीण और जयपुर शहर के क्षेत्रों में इनके जो दूर दराज के जयपुर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे इनकी बसों को लगाया गया ताकि इनके वहाँ से जो लोगों को यहाँ पे इनकी सभा में पहुँचाया जाए, उसके लिए भी इनकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण कर ली गई है कार्यकर्ताओं की ओर से। जी लोकेश, जिस तरह से रामचरण बोहरा के समर्थन में और राज्यवर्धन राठौड़ के समर्थन में पीएम मोदी जनसभा करने आ रहे हैं, क्या उम्मीद है, क्या जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण को पीएम मोदी कोई बड़ी सौगात देके जाएंगे? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जो जयपुर शहर सीट है वो इनकी पहले से कांग्रेस के इनकी कब्जे में थी, इनकी जो रामचंद्र बोहरा है वो पहले सांसद, तो जयपुर ग्रामीण सीट थी वो भी इनकी राज्यवर्धन जो भाजपा के इनके स्टार प्रचारक के तौर पे भी देख सकते हैं क्योंकि जो ओलंपियन है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस ने भी एक इनके ओलंपियन को उतारा है, ऐसे में इनकी जो कड़ी टक्कर मानी जा रही है वहां पे भी, ऐसे में इनकी पुनः जो कार्यकर्ताओं में इनकी जान फूंकने के लिए और जो भाजपा को पुनः इनकी सत्ता में काबिज करने के लिए दोनों सीटों को होना जरूरी है, इसके लिए इनकी पीएम मोदी इनकी जनता को संबोधित करेंगे हम। जी लोकेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप लगातार हमें अपडेट करते रहे। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज देखने वाली बात ये होगी, जब शाम को पीएम मोदी जयपुर पहुंचते हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं, तो पीएम मोदी एक बार फिर से क्या केंद्र सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जनता से वोट मांगेंगे या फिर जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में जो विकास हुआ है, अगर जयपुर शहर की बात कर ली जाए, मौजूदा सांसद ही भाजपा के उम्मीदवार है, तो देखने लायक चीज होगी कि यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे रहते हैं चुनावी पीएम मोदी की तरफ से।